बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नूरी लज़्ज़त किचन। जो आज की रही है बैम्बू सूट्स की करी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है, वर्ल्ड रेसिपी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जो इसे बांस की कोम्बी कहते हैं और इसे करले भी बोलते हैं करना में, और ये मार्केट में इस तरह से मिलता है और ज़्यादातर ये जून बारिशों के दिनों में अक्सर ज़्यादा पिकाया जाता है। उसके बाद इसे क्लीनिंग की बारी है। क्लीन किस तरह से करना है वो देख लीजिए। पहली बार आप ज़रूर से वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखिए। चलिए दोस्तों, मेरा जो भी मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस करें, जो भी मेरा नोटिफिकेशन है आपको इजी से मिल जाएगा। उसके बाद है सारा इस तरह से रैप को निकाल लेंगे। ये जो छिलटा है इसे निकालते जाना है, निकालते जाना है, जितना छिलटा है आपको ईजी से निकल जाएगा। इस तरह से निकालते जाना है। इसका विटामिन इसमें बहुत सारे हैं, यानी कि विटामिन है, फाइबर है, प्रोटीन है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट है, और इसका बहुत सारे विटामिन हैं। और इसमें जो बहुत ही सारे बीमारियों के लिए और स्टोन इन्फेक्शन के लिए खासकर खाया जाता है, मैं आगे आगे बताते जाऊँगी। और इसे देख लीजिए बस क्लीन करने का तरीका। इस तरह से सारा क्लीन हो चुका है। नेक्स्ट है मैं जो सामने का है उसे भी इसी तरह से हमें ओपन करते जाना है, इस तरह से। ये तोड़ लेंगे। इनकी लास्ट में जो रहता है वो निकालने के बाद हमें इसे थोड़ा नोक रहता है, हमें इसे तोड़ना है। इस तरह से सारा निकल गया है। अब इसमें कटिंग की बारी है, हमें सारे इसी तरह से क्लीन कर लेंगे। देख लीजिए सारे क्लीन हो चुके हैं, अब इसे कटिंग कर लेंगे। एक बोल लीजिए, बोल में हमें सारे कटिंग करते जाएंगे। और कटिंग में मैं आपको पहले एक अच्छे सा क्लू बताऊंगी। जो गन्ने में जॉइंट्स रहते हैं उसी तरह रहते हैं। जो हिस्सा नरम रहता है वो कुकिंग के लिए, जो हिस्सा घट रहता है वो वेस्ट है, वो आपको निकाल देना है। जिस तरह से सारा करते जाएंगे और जो जॉइंट आता है हम इसे निकालते जाएंगे। आपको चाकू चलाते हैं जब भी आपको पता चलेगा जो उसमें घट हिस्सा है वो निकालना है। इस तरह से हमें निकालते जाएंगे। जेंट्स में अक्सर बहुत ही स्टोन इन्फेक्शन आ जाता है, उन लोगों के लिए बहुत खासकर इस सेट खाया जाता है। और स्टोन इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी इसमें हीट के वजह से ये निकल जाता है। और इस तरह से भेंड रहता है, हमें निकाल लेंगे। देख लीजिए सारा कितना सारा इसमें गन्ने के भेंड निकला है। जो बहुत ही कम इसमें जो हिस्सा मिलता है, जो बहुत ही वेस्ट ज़्यादा रहता है। इस तरह से उसके बाद पेट में जो भी कीड़े वगैरह रहते हैं वो भी इसमें बहुत ही अच्छे से काम करता है। वो ज़्यादा बहुत ही स्पेशल से ये कुकिंग करते हैं और सारों लोगों को बांटते हैं। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। और ये तो पूरा हो गया है, इसे हमें साफ पानी से वाश कर लिया है। करने के बाद अच्छे से हाथ डाल के इसे लगड़ लगड़ के हमें वाश करेंगे। वाश करने के बाद हम इसमें कुछ भी जो फाइबर रहता है, यानी कि लोहे की चीज़, यानी कि चाकू वगैरह जो भी रहता है आपके घर में, वो रात में रख के इसे लिड बंद करके रख देंगे, क्योंकि जो भी इसमें कड़वागी रहती है वो निकल जाती है। देख लीजिए हमें रात को इसे भीगने के लिए रख देंगे लिड बंद करके। और दानों की बारी आती है। दाने जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप ईज से लेके कुछ भी दाने यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भांस की कोम है, बहुत ही हीट है, इसलिए इसे दानों को भी, हमें सारे दानों को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी कि मैं इसमें कुल्थी लिया है, लोबा लिया है, और राजमा है, उसके बाद ये फली के दाने हैं, इनकी काली मूंग है यानी कि काबुल चना, उसके बाद ये यानी कि मोठ है, काला चना लेंगे। थोड़ा आप कौन सा पसंद करते हैं दानों को, वो दाना इसमें क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से इसमें चना लेंगे और बारीक वाली लोबा लेंगे। उसके बाद है तोर दाल लेंगे, ये है हरा मूंग है, वो भी लेंगे। नेक्स्ट है लोबा,
लोबा, आप जानते हैं ना लोबा, उसमें बड़ा वाला छोटा वाला आता है, वो ले सकते हैं। उसके बाद तोर का दाल भी लेना है, यानी कि बल्लर, सॉरी तोर नहीं, बल्लर लेना है। वो आपके आगे आपको एक बताऊंगी क्लिप। ये फली का दाना निकाल लेंगे, निकालने के बाद इन सारी चीज़ों को हम एक पैन में डाल लेंगे, सॉरी एक बर्तन में डाल लेंगे। डालने के बाद हमें एक दो या तीन पानी से धो के इसको भीगने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें आपके बेनिफिट्स तो है, और ये आप याद रखने की बात है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो ज़रूर से बात को याद रखिए, वो बिल्कुल इसे नहीं खाना है। कहते हैं बड़े जो इस बहुत ही हीट रहता है, इसलिए वो जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो याद रखना ही पड़ेगा आपको बात को, वो ही एक नहीं खाना है। उसके बाद सारे दालों को डाल के हमें अच्छा वॉश कर लेंगे, क्योंकि अक्सर बोला जाता है जो हीट है उसलिए आभाषण वगैरह हो जाता है, उसलिए उनको ये नहीं दिया जाता है इन, और सारे लोग इसे खा सकते हैं। सारा हमें इसे वॉश कर लेंगे दो या तीन पानी से, उसके बाद हमें इसे क्या करेंगे, पानी में डाल के रात को भीगने के लिए रख देंगे। हमें दो चीज़ें भीगने के लिए रख दिया है, भांस का कोम एक रख दिया है, और ये है दाने, वो भी रात में प्लान करना है, रात में ही भीगने के लिए रख दिया है। वेजिटेबल लेंगे, वेजिटेबल में इन सारी चीज़ों का मैं थोड़ा थोड़ा ही हमें इसमें लेंगे। सेम की फली है, कोकोनट, पूरा एक नारियल लेंगे, और ये चिचौंडा है, कैरेट है, नौकल है, बीटरूट है, बीन्स है, बल्लर दाना कच्चा वाला भी लेंगे, सूखा वाला भी लेंगे। उसके बाद है हमें पीसने की बारी, कोकोनट पूरा नारियल लिया है, थोड़ा सा हमें फुटाने लेंगे। नेक्स्ट है ये पूरा नारियल यूज़ करें, क्योंकि ग्रेवी के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है, आपको बाहर देने का प्लान रहेगा तो यूज़ करें। उसके बाद लहसुन, पुदीना, अदरक और कोतम्बीर यानी कि धनिया के पत्ते, वो गएगा। उसके बाद है टमाटो और प्याज, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया है, इसका पेस्ट बना लेना है हमें, फाइनली बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। ये है लास्ट प्रोसेस है बघारने के लिए, अनियन है और करी पत्ता और लहसुन, वो इसमें ऐड होगा, लास्ट प्रोसेस है। उसके बाद पूरा वेजिटेबल में थोड़ा थोड़ा लिया है, कैरेट लेंगे, कैप्सिकम है, और नौकल लेंगे, एक पूरा लिया है नौकल, बीटरूट थोड़ा सा लेंगे, कलर चेंज होता है इसलिए थोड़ा सा बीटरूट। उसके बाद बल्लर दाना है, ये सेम की फली है, ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं मटके की फली, डाल सकते हैं जितने भी वेजिटेबल हैं आप डाल सकते हैं, बीन्स है और ये चिचौंडा है, सारे आप वेजिटेबल कितना आपको पसंद है डाल सकते हैं। दूसरे इसमें मैं पानी डाल के बैंगन, आलू और तुरई, कड़वा हो जाता है इसलिए मैं पानी में ही रख दिया है कुकर में डाले तक, और मेरा ये रात में भीगने के लिए रख दिया था दोनों में, फ्रीज ऑन बटाने हैं, आप चाहे तो सूखे बटाने भी रात में ही डाल सकते हैं। उसके बाद ये फली का दाना, ये मैं बताया था आपको बल्लर का दाना सूखा, वो भी इसमें ऐड हुआ है, आप ज़रूर से ऐड करें, उसका थोड़ा सा टेस्ट ही अलग रहता है। सारे आपके पास कुछ भी दाने अवेलेबल है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो ये भांस की कोम है बहुत ही हीट है, उसलिए सारे दाने, बीन्स वगैरह पूरा डालते हैं। ये एक थोड़ा सा स्पेशल है, एक जो भी आपके घर में नाइस पत्थर रहता है वो लेना है, क्योंकि कंकर वगैरह छोड़ डालता है, इसलिए नाइस पत्थर लेना है, वाइट वाला जो बालू में मिलता है वही लेंगे। और सुबह में मैं ये फिर और साथ पानी से ढो लिया है, जो मैं काटा है बारीक से काट लिया है, आप चाहे तो मोटा भी काट सकते हैं। उसके बाद भाजियों में 5 टाइप्स मैं भाजी लिया है, 5 भाजी, चुड़ी की भाजी, दंड की भाजी और सेगू की भाजी लेंगे, बारीक से चॉप कर लेंगे। उसके बाद सोइंग की भाजी भी लेंगे, आप सेगू की भाजी थोड़ा ही ज़्यादा हमें इसमें डाला था, इतनी डाला था सेगू की भाजी, वो भी क्लीन कर लिया है, मैं आपको एक क्लिप बताया था। उसके बाद सोइंग की भाजी और मेथी की भाजी, वो सारे हमें 5 फ्लेवर्स के भाजी लेंगे। अब कहते हैं कि वो 103 भाजियों में पालक और भिंडी छोड़ना है, सारे आप वेजिटेबल और भाजियों में डाल सकते हैं। और एक कुकर लेंगे, कुकर में सारे दालों को हमें डाल लेंगे, दाने ही हमें सेपरेट गला लेना है और वेजिटेबल ही हमें सेपरेट गला लेंगे। लिड बंद करके
दोनों साइड भी हमें दानों को और वेजिटेबल को दूसरे दूसरे कुकर में रख दिया है। ये है सारा वेजिटेबल्स, पानी निकाल के बैंगन वगैरह सारा इसमें ही डाल के, आपके ऊपर डिपेंड है पानी किस तरह डालते हैं, उस तरह से आपका गलता है वेजिटेबल रहेंगे दाने रहेंगे वगैरह, उसलिए आप देख के आप मीडियम साइज़ में आप जो भी कुक बॉयल करते हैं उस टाइप से बॉयल कर लीजिए, कितना सीटी आपके ऊपर डिपेंड है। मैं इसमें मिनिमम 2 सीटी लिया था, दानों में 4 सीटी लिया था। फाइनली हमें पेस्ट बना लेंगे प्याज और अनियन का, वो पेस्ट इसमें रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है कोकोनट पूरा लिया है और फुटाने थोड़े से 1-2 टेबल या 3 टेबल स्पून हम इसमें फुटाने डाल लेंगे। उसके बाद है लहसुन और पुदीना, गार्लिक और धनिया के पत्ते का पेस्ट, तीनों पेस्ट रेडी है। अब सारे अब चीज़ें हमें रेडी करते जाना है, जो ये लास्ट प्रोसेस है इसे हमें भी इसे मैश करके भी कूट के रख लेंगे। इसे बैम्बू शूट बोलते हैं इंग्लिश में, आप जाके चेक करें, इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। हमें अनियन को इस तरह से कूट के साइड में निकाल लेंगे और लहसुन को भी कूट के साइड में निकाल लेंगे। ऑप्शनल है, आप चाहे तो पत्थर का यूज़ कर सकते हैं, आपको किरिक वगैरह डर होगा तो आप डायरेक्टली ही बघार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट है जो मसालों में, आप रेड चिल्ली पाउडर कितना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं, जो टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रहता है, आपके घर में होम के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं इतना काफ़ी लिया है, यानी कि मेरा प्लान था बाहर देने का, जब भी ये खाती थी दूसरों ने लेकर आके देते थे, मैं कभी भी कुक नहीं किया था, फर्स्ट दफ़ा ही कुक कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद हमें नेक्स्ट है गरम मसाला, इनके चकला इलायची लौंग का पाउडर और धनिया का पाउडर, तीनों चीज़ जाएंगा। होममेड चकला इलायची लौंग का पाउडर रेसिपी है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद है ये हमें दूध को गरम करके ठंडा किया है, एक बड़ा सा 1.5 लीटर लिया है। उसके बाद मस्का लेंगे, उसके बाद ये जो हमें भांसकी को हम भिगने डाला था लास्ट में, हमें इस तरह से मुट्ठियाँ दे के हमें पूरा पानी निकाल के एक प्लेट में निकाल लेना है। बिल्कुल से पानी यूज़ ना करें क्योंकि टेस्ट बिगड़ जाता है, उसलिए आप इस तरह से करें, पानी सारा निकाल के आप फेंक सकते हैं इस तरह से। जो भी वो छिलटा वगैरह है वो भी हमें बाहर नहीं डालना है, जो गाय वगैरह खाएगी तो मर जाती कहते हैं बड़े। उसके बाद है हमारे वेजिटेबल तो बिल्कुल बॉयल हो चुका है और दाने भी बॉयल हो चुके हैं, ये सारे हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब प्रोसेस है हमें इसे पकाने का। बड़ा सा हमें एक बर्तन लिया है, बर्तन में हमें डायरेक्टली जो हमें सारे वेजिटेबल्स को बॉयल किया हुआ है वो ऐड कर लेंगे। बॉयल हुआ वेजिटेबल को ऐड कर लेंगे, उसके बाद दाने बॉयल किए हुए दाने भी हमें इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा नमक डाल के पानी डाल के ऐड किया था वही हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप याद रखना है जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है बिल्कुल इसे नहीं खाना है, वो बात को आप ज़रूर से याद रखिए। नेक्स्ट है जो मैं 5 भाजी लिया था, 5 टाइप्स की मेथी, दंड की, जो चुड़ी की भाजी, पालक नहीं ऐड करेंगे इसमें, यानी कि सेगू की भाजी, ड्रमस्टिक कहते हैं ना, उसकी भाजी भी ऐड किया है, मेथी की, सोइंग की, पालक नहीं ऐड करना है याद रखिए। उसके बाद वो जो हमें बना हुआ था बारीक स्लाइसेस बना हुआ था हमें इसमें डायरेक्टली ऐड करेंगे, आप थोड़ा मोटा करेंगे तो आप सीटी को डालना है वो याद रखिए। मैं थोड़ा बारीक ही चॉप कर लिया था, उसलिए डायरेक्टली इसमें ही 15 या 10 मिनट में इजीली कुक हो जाएगा, ऑलरेडी रात से भीगने के लिए रख दिया था उसलिए। उसके बाद टेस्ट अकॉर्डिंग, यानी कि टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, उसके बाद चकला इलायची लौंग का पाउडर डालेंगे। नेक्स्ट है सॉल्ट है, टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। उसके बाद जो हमें धनिया पत्ती, पुदीना, अदरक, लहसुन का पेस्ट वो जाएगा और धनिया का पाउडर जाएगा। उसके बाद टमाटो और प्याज का पेस्ट जाएगा। नेक्स्ट है इसमें हमें 1 पूरा नारियल और 4 टेबलस्पून हमें फुटाना लिया था वो पेस्ट जाएगा।
सारा मिक्स करके एक 15 या 20 मिनट तक आप अच्छा बॉयल करना है, यानी कि इसका कच्चापन जाना है, उस टाइम तक हमें इसे बॉयल कर यानी कि पकाना है। इस तरह से पका लेंगे, फाइनली हमें इसे अच्छे से पकाना है, इसका कच्चापन गए तक भी हमें बड़ा सा बर्तन लेना है, खुला पका लेंगे। जब भी ये पकाते हैं, जो भी पड़ोस पकाते थे, जब भी हमें खाते थे ये, लेकिन जो मैं आज एक्सपीरियंस था मेरा, मैं फर्स्ट टाइम बनाया है ये, लेकिन बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया सी बनी हुई थी। उसके बाद है हल्दी का पाउडर डालेंगे, पिंच ऑफ हल्दी यानी कि आधी टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड कर लिया है क्योंकि फ्लेवर भी अच्छा आएगा। पकने के लिए छोड़ दिया था ये एक 10 या 20 मिनट के लिए, बिल्कुल से जो हमारा जो भांस की कोम है वो गुलना है उतनी देर तक छोड़ देंगे। भाजी को भी हमें सेपरेट ऐड करेंगे क्योंकि जो बहुत ही जल्दी बॉयल होती है, इसलिए मैं इसमें ही ऐड किया है। हमने फाइनली ये पकने के लिए रख देना है 10 या 20 मिनट तक अच्छे से, जो तेज़ खारा खट्टा आप देख सकते हैं, चेक कर लीजिए। ज़्यादा तो स्टोन इन्फेक्शन रहता है उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सी है, हेल्प भी होता है उन लोगों के लिए। इस तरह से हमें एक पत्थर रख के हीट को साइड में रख देंगे वो काला होने तक। उसके बाद ये पूरा भी मैं क्लिप को थोड़ा मिस किया है, पूरा मैं एक ग्लास पूरा भी मैं 1.5 लीटर दूध डाला है इसमें। आप डरो ये मत, आप लो फ्लेम कर लीजिए। लो फ्लेम करने के बाद हमें इसे दूध को पक के ठंडा होने के बाद दूध को ऐड करेंगे। ये मेन इंग्रेडिएंट्स है जो मस्का, आप ज़रूर से ऐड करें लास्ट में, क्योंकि जो भी हमारे पेट में गंदगी रहती है बहुत ही क्लियर से निकलती है, यानी कि स्लिप होने के लिए बहुत ही काम करता है मस्का, जो भी हमारे पेट में रहता है वो सारे चीज़ें। आप साल में 3 या 2 मरतबा ये खाते हैं, जो इस साइड जो साइड मिलता है, चंद साइड नहीं मिलता है, वही एक प्रॉब्लम है, लेकिन इस साइड मिल रहा था, उसके मैं रेसिपी आपके साथ शेयर किया है। और मिक्सअप कर लेंगे ज़रूर से। आप थोड़ा और ज़्यादा भी क्वांटिटी कर सकते हैं मस्के को, जो भी हमारे पेट में बाल वगैरह रहते हैं वो सारे अच्छे से क्लीन से स्लिप होते हैं, उसलिए मस्के को ऐड किया जाता है। उसके बाद हमें थोड़ा और पका लेंगे, लो फ्लेम करके लिड बंद करके रख देंगे। साइड में हमें अनियन और वो सारा मैश कर लिया था, कुचल लिया था, वो है, वो भी रेडी हो रहा है। हमारे साइड में भी हमें पत्थर को 20 या अच्छे रेड होने तक हमें इसे पत्थर को गर्म करना है। ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली ही बघाड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी है पत्थर वो बहुत ही साफ़ रहना है, उस तरह से पत्थर लीजिए, क्योंकि नहीं वरना अब कुछ भी पत्थर लेंगे तो किरक वगैरह आ जाती है। दूसरे बाद उसके बाद एक पैन में हमें वो पत्थर जो स्टोन को इसमें रख देंगे। रखने के बाद जो हमें कुचला था आनियन वो भी हम इसके ऊपर अच्छे ऊपर रखना है, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया सी थी। उसके बाद लहसुन को इसमें रख देंगे और करी पत्ता रख देंगे, सारा रखते रखते जाना है जो इसका। उसके बाद एक राउंड सा चमचा लेना है, यानी कि उसको अच्छे से इस तरह से प्रेस कर लीजिए, इस तरह से प्रेस करना है। ये PCOD के लिए भी बहुत ही काम का चीज़ है, और ये अक्सर जून बारिशों के दिनों में ये मिलता है, और साल में या 3 दफ़ा या वो आप ज़रूर से लीजिए, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। जो भी पेट में गले जगी रहती है वो सारे निकल जाती हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये तो बिल्कुल हमारा इसमें ही भून चुके हैं, प्याज वगैरह सारी चीज़ें रेड हो चुके हैं, हमें दबा प्रेस करते जाना है। नेक्स्ट है इसको हमें डायरेक्टली आयल को डाल देंगे। डालने के बाद हम इसे लीड बंद कर देंगे, आयल फाइनली हमारा हीट होने तक हमें लीड बंद करना है। साइड में एक मैं पैन में छोटा सा पैन में ग्रेवी निकाल लिया है बघारने के लिए, फौरन हमें वो ग्रेवी डाल के लीड को बंद कर देंगे। जो भी इसका फ्लेवर है वो ग्रेवी में जाना है, वही प्रोसेस एक फेशल है इसमें, बहुत ही बढ़िया सा एक रेसिपी थी मेरे साथ, बहुत ही यम्मी भी बनी हुई थी।
और उसके बाद है वो जो बघारा हुआ था वो हमें मिक्सचर इसमें बड़ा वाला बर्तन में हमें मिला लेंगे, मिक्स कर लीजिए और पत्थर निकाल लीजिए साइड में, वो जो मिक्सचर था हमें इसमें मिक्स करके गार्निशिंग कर देंगे। फाइनली हमारी जो भांस की कुम की ग्रेवी है यानी कि सालन है बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी है। जो मेरा प्लान था दूसरों को भी देने का, कभी भी मैं जो मुझको ला के देते थे जो उन लोगों के आज में प्लान था उसलिए थोड़ा ज़्यादा ही बना हुआ था। चलिए दोस्तों तो बिल्कुल रेडी है, पत्थर भी हमें आपको बताया है, उसके बाद ये सारा भी हमें जो पार्सल था वो भी हमें रेडी कर लिया है। मैं आपको एक क्लिप बताऊंगी, देख लीजिए क्वांटिटी। इसमें मैं मस्का डाल के थोड़ा सा धनिया डाल के गार्निशिंग किया है, और ये रोटी के साथ खाने के साथ ज्वार रोटी, रागी की रोटी, आप जो भी खाते हैं आप खाली इस तरह से भी खा सकते हैं। इसमें पूरे दाने वगैरह हैं, बहुत ही यम्मी रेसिपी है, जो नहीं खाते वो ज़रूर से खा जाएंगे, क्योंकि टेस्ट में भी बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया सी थी। जो भी खाया है उन लोगों ने भी बहुत ही इसकी तारीफ़ की हुई, माशाल्लाह बहुत ही शुक्रिया। उसके बाद जो मेरा वीडियो देख रहे हैं ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम।